श्रद्धेय माननीय उद्धव ठाकरे जी पधार रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब खड़े होकर जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें और ये ताली एकता के नाम पर पूरे भारत में पहुंचे। जोरदार तालियों से परम श्रद्धेय माननीय उद्धव ठाकरे जी का आप अभिनंदन करें। मार साहब आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ हैं। मैं माननीय उद्धव ठाकरे जी का नाम लूंगा, आप लोग जिंदाबाद कहिएगा। माननीय उद्धव ठाकरे जी जिंदाबाद, माननीय उद्धव ठाकरे जी जिंदाबाद, माननीय उद्धव ठाकरे जी जिंदाबाद, जय महाराष्ट्र। आइए मित्रों, एक बड़े व्यक्तित्व के लिए उतना ही बड़ा हार होना चाहिए, यह आप सबकी मोहब्बतों का सबूत है। परम श्रद्धेय उद्धव ठाकरे जी का पुष्प के हार के साथ सम्मान किया जा रहा है। जोरदार तालियों से आप सब उनका अभिनंदन करें। आइए ये जो शानदार पंडाल यहां सजा हुआ है, बांद्रा पूर्व शिवसेना विधानसभा की तरफ से उनका सम्मान किया जाना, ये तो घर का सम्मान है। सत्य तो यह है कि माननीय उद्धव ठाकरे जी का पूरे बंबई की तरफ से सम्मान, पूरे महाराष्ट्र की तरफ से सम्मान, समस्त भारत की तरफ से उनका सम्मान हो रहा है। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन करें। मैं गुरुदेव जी से आग्रह करूंगा कि आए और 5 मिनट के अंदर अपने आशीर्वचन से हम सबको परम श्रद्धेय चंद्रसेन गुरुदेव जी महाराज जी से आए और हम सबका निर्गमन करें, हमारी आस्थाओं को मजबूत करें। स्वागत है। खाली मीडिया उद्धव जी ठाकरे जी आ गए, विराजमान है और उसी के साथ में हमारा यह मंच, सभी जात सभी मान्यताएं और सभी प्रकार के अलग अलग विशिष्टताओं के साथ भरा पूरा बन गया। और आज हम पूरे बंबई में जितने भी विचारधाराएं और जितने भी धर्म हैं उन सब का महासम्मेलन महासागर यहां देख रहे हैं। मित्रों, मेरी बात मैं कंटिन्यू करता हूं। श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी महाराज ने कहा, आप किसी भी प्रकार से चले, किसी भी दिशा से चले, दिशा आपके अलग अलग, ऐसा भी हो सकता है कि आमने सामने हो, पूर्व और पश्चिम, किसी भी दिशा से, उत्तर और दक्षिण आपस में विरुद्ध दिखती हुई दिशा से चले, लेकिन ध्यान रहे पहुंचना तो शिखर पर है ना। सबका हमारा लक्ष्य तो वही है, करुणा का सागर, प्यार का महासागर बनना है। और वह तभी बनोगे जब सबको आप एक रूप में देखोगे, एक रूप में मानोगे। आज तो हालत ये हो गई है, आदमी की शक्ल से डर रहा है आदमी, आदमी को ही लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी की शक्ल से डर रहा है आदमी, आदमी का घर आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है और मर रहा है आदमी, मारने वाला और मरने वाला दोनों एक, कैसी बात है? समझ कुछ आता नहीं, क्या कर रहा है आदमी। आदमी ने वक्त को ललकारा है और आदमी ने मौत को भी मारा है, आदमी बहुत आगे बढ़ा है।
कन्वेंशन कर चुका है और सारी दुनिया में 5 लाख बरस में पिछले 5 लाख बरस में नहीं हुआ, वो आज आदमी करके दिखा रहा है। आदमी ने वक्त को ललकारा है, आदमी ने मौत को भी मारा है, जीते हैं आदमी ने सारे लोग। आदमी मगर खुद से ही हारा है, आदमी अपनी हेवानियत से हारा है और आदमी की इस हेवानियत से उबारने के लिए जरूरी कुछ भी है तो वो है इंसानियत। और आज इंसानियत के मंच पर हम सब खड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس। आप सब पहले बैठ जाए, इत्मीनान से बैठ जाए, स्टॉप स्टेज पे डिस्टर्ब मत होने दे, बैठ जाए। एक चीज मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी थी, वो दर्द मेरे सीने में है और इतना प्यारा मुल्क मुझको मिला जिसका नाम भारत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इंसानों में सबसे अच्छा इंसान कौन है। एक चीज सिखाई, जैसे रेस लगती है ना कि पढ़ाई में सबसे अच्छा कौन है, एक्टर में सबसे अच्छा कौन है, क्रिकेटर में अच्छा कौन है, नेता में अच्छा कौन है, बेटों में सबसे अच्छा बेटा कौन है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक सवाल कायम किया, उसका जवाब दिया इंसानों में सबसे अच्छा इंसान कौन है, और उसका जवाब दिया कि इंसानों में सबसे अच्छा इंसान वो है कि जिससे इंसानों को फायदा पहुंचे। आज लोग क्या बोलते, मेरा फायदा उठाया छोड़ दिया। अरे भाई तू इंसान था इसका मतलब। अगर तूने किसी का फायदा उठाया और उसका इस्तेमाल करके तूने मिसयूज किया तो तू हैवान है। अगर आपका कोई फायदा वाकई में उठा रहा है और आप वाकई में आप फायदा पहुंचाने की फैक्ट्री हो, आप सबसे अच्छे इंसान हो, आपको नाराज नहीं होना चाहिए। आज तो बड़ी अजीब बात है कि इंसानियत जो है वो गिरती जा रही है, इंसानियत दिन ब दिन कम हो रही है। जिस तरह एजुकेशन का मैयार, उसके ऊपर मेहनत हुई, हमारे भारत का एजुकेशन जो लेवल है वो बढ़ गया क्योंकि उसके ऊपर हुकूमत ने जोर दिया एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। तो 20 साल में एजुकेशन का जो पैमाने बढ़ गया। मैं चाहता हूं इस मुल्क से और माननीय उद्धव ठाकरे साहब जो हिंदुस्तान की बड़ी शख्सियत है उनसे भी गुजारिश करता हूं कि इंसानियत अभियान और हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश का जो ताज है वह इंसानियत है। इंसानियत एजुकेशन को आम करने के लिए मैं माननीय उद्धव ठाकरे साहब का साथ चाहता हूं कि इस मुल्क के अंदर इंसानियत दे लाया जाए ताकि इंसानों को अपनी इंसानियत याद दिलाई जाए। नहायत सम्मान के साथ माननीय उद्धव ठाकरे जी से निवेदन करता हूं कि आप आए और अपने आशीर्वचन से हम सबको नवाजे। मैं चाहता हूं कि आप सब इतनी जोरदार ताली बजाए कि इसकी एकता की गूंज समस्त भारत। व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर आणि जमलेल्या बांधवांनो आणि भगिनी, मरे मरे हिंदी, मरे मरे मराठी, चालेल ना? मुक्तीजी, पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया आणि नुसतं आमंत्रित नाही केलं तर मला ओळखत असताना सुद्धा आमंत्रित केलेलं आहे। मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, किस पार्टी का नेता हूँ, किसका बेटा हूँ, ओळख तर जग जाहीर आहे।
आणि ओळख लपवण्यासारखी अशी काय वाईट ओळख नाहीये माझी. पण आजच्या या कार्यक्रमाला तुम्ही मला बोलवलं, हिंदू हृदय सम्राटाच्या मुलाला बोलवलं. कोणत्या अपेक्षेने बोलवलं हे तर तुम्ही सांगितलं. जब आमंत्रित किया गया मैंने तुरंत हाँ कह दिया, बबनराव तुम्हें आलो तक माझ्याकडे. और मैंने तब यही सोचा कि इस देश में कोई नहीं चाहता कि हम हमेशा लड़ते रहे, झगड़ते रहे, दंगा फसाद करते रहे, कोई काम नहीं है, उठाया पत्थर फेंक दिया दूसरे के ऊपर. मैं ऐसे कोई नई बात नहीं करना चाहता. जो मेरे पिताजी ने कही थी तो उसे कुछ और एक रास्ता अपनाना चाहता हूँ, ऐसी बात नहीं है. उसी रास्ते से मैं चल रहा हूँ, उसी रास्ते से ही चलूंगा. बिल्कुल मैं मेरा रास्ता बदलने वाला नहीं हूँ. रास्ता यही है, जो भी है दिल में नहीं कुछ रखने का, खुलेआम बोल दो. जो बात पसंद नहीं आई खुलेआम बोल दो पसंद नहीं आई, लेकिन पीठ पर चूरा नहीं भोंकने का. पीठ पर नहीं मैं बात करूंगा. अगर कुछ बात गलत है सामने से बोलूंगा, सामने से वार करूंगा. पीछे एक तो पीठ दिखाऊंगा नहीं और पीठ पर वार नहीं करूंगा. ये हमारी पहचान है और ये आपको पता होते होने के बावजूद भी आपने यहां मुझे बुलाया, क्योंकि आपके मन में एक विश्वास है. मैं जब भी कोई मेरे साथ बातें करने लगता है, मुसलमान भाई होता है, बहन होती है और अन्य धर्म मजहब के लोग रहते हैं, मैं तो यही कहता हूँ, चलो दुश्मनी निभानी है ना तो निभाते हैं, लेकिन गलत फहमी के शिकार नहीं होना. गलत फहमी के शिकार होते हुए दुश्मनी नहीं करना. क्या है कौन, आप क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूँ, एक दूसरे को समझ तो ले. और अभी बैठे बैठे मुफ्ती साहब मैं आपसे बात कर रहा था कि जो बात अभी आपने कही कि जो अपनी मुट्ठी थी और उसी ने हमें आजादी दिलाई, फिर आजादी के बाद ये मुट्ठी खुल क्यों हुई, किसने खोली हमारी मुट्ठी, क्यों हम अलग 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 लड़ते रहे, क्या मिला अलग लड़ते लड़ते और क्या मिलेगा अलग लड़ने से. हाँ हाँ खिलाफ तो है, जरूर है, मैं कोई छुपाना नहीं चाहता, लेकिन शिवसेना या मेरे पिताजी कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे, वो तो देशद्रोही के खिलाफ थे, आज भी है और कल भी रहेंगे, इसमें क्या छुपाने की बात नहीं कुछ. और मैं भी यही रहता हूँ, ये तो इलाका है पूरा बैरापाड़ा नजदीक है, 50 साल में पहली बार मेरा पार्षद यहाँ से चुनकर आया, शिवसेना का पार्षद, नगर सेवक, शिवसेनेच्या निशाण्यावरती लढला आणि त्याला लोकांनी मतदान करून निवडून दिलं, क्योंकि एक भरोसा है, भरोसा है कि करेंगे तो यही लोग करेंगे, कुछ सुधार लाएंगे जीवन में तो यही लोग ला सकते हैं, बाकी वरना आज मुझे कोई पैसे आने की आवश्यकता नहीं थी. इलेक्शन होता तो जरूर आता, लेकिन आज इलेक्शन नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं, इसके बावजूद मैं यहाँ आया, वोट के लिए नहीं आया हूँ. मैं मतांसाठी नहीं आलो, मी मनासाठी आलो. मन जर का आपलं एकमेकाशी जुळलं, आणि मगाशी जे मी तुम्हाला सांगत होतो आपणही बोललात की जी एक मुठ्ठी आपली बंद झालेली होती, आवडली होती, तिची एक ताकद होती, व त्याच्यात सगळे धर्म होते, हिंदू मुसलमान शीख ईसाई और कुछ हो, और कुछ हो, दलित है जैन है, जब एक साथ आए तो आजादी मिळते. आणि एक मी बघितलं की काही वर्षांपूर्वी मराठ गुजराती पुढे गुजरात भूकंप झाला होता, मैं गया था वहां, शिवसेना भी वहां कुछ मदद की, वहां मैं गया और एक गांव का चक्कर लगाया. गांव का चक्कर जब लगाया मैंने तो देखा कि मंदिर मस्जिद चर्च सब या तो उसकी दीवार गिर गई है या क्रैक आया है. मतलब आपत्ति जब भी आती है तो आपत्ति कोई मजहब को नहीं पहचानती, आपत्ति किसी मजहब को नहीं पहचानती, आप किसी भी मजहब के होने दो, आपत्ति नहीं छोड़ेगी आपको. और तब वो सब देख कर मैं वो कैंप में चला गया तो कैंप में और एक अधिक दृश्य मैंने देखा. कैंप तो सबके घर तो बर्बाद हुए थे, बहुत नुकसान हुआ था, रसोई बिसोई तो घर में पकाना छोड़ो, घर ही गिर गया तो रसोई कब बची, क्या बची, रोजी रोटी तो लगती है. और रोजी रोटी के लिए कैंप्स लगे थे वहां, वहां देखा मैंने सब सारे मजहब के लोग इकट्ठा आए थे. तो मुझे ताजुब हुआ कि ये कौन सी बात है, एक आपत्ति आती है तो हम सब इकट्ठा आते हैं और आपत्ति चली जाती है तो एक दूसरे के सामने आपत्ति बनकर खड़े होते हैं. श्री बबनराव गोरख जी, मला हिंदी येतो पण मी मराठीतच बोलणार आहे. आणि मला माहित आहे की मुंबईच्या आमच्या सगळ्या बांधवांना मराठी चांगल्या पद्धतीने समजतं. ऑल इंडिया इन्सानियत अभियान कॉन्फरन्स ही मोहीम गेले 6 वर्षापासून
माननीय मुफ्ती सलीम साहेब कालोता आहेत, त्यांचं वास्तव्य नगरमध्ये आहे, परंतु संपूर्ण देशामध्ये त्यांनी 6 वर्षांमध्ये हा एकतेचा संदेश, आपण सगळे भारतीय आहोत, आपण सगळे हिंदुस्थानी आहोत, आपण एक झालं पाहिजे, एकमेकाबद्दलचा द्वेष संपवला पाहिजे, हा असा संदेश घेऊन ते संपूर्ण भारतभर फिरतायत। आणि माझ्या पाठीमागे ते 2 महिन्यापूर्वी माझ्याकडे आले आणि त्यांनी सांगितलं की मला एक कॉन्फरन्स मुंबईमध्ये घ्यायची आहे आणि त्याच्यासाठी मला शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे पाहिजे। मी साहेबांना विनंती केली, साहेबांना वेळ खरोखर नव्हता, परंतु मी म्हटलं साहेब अतिशय चांगलं काम मुक्ती साहेब करतायत, त्यांना तुमच्या आशीर्वादाची गरज आहे, ते वयाने लहान असले तरी काम खूप मोठं करतायत आणि म्हणून शिवसेनेचा त्यांना पाठिंबा पाहिजे आणि त्यांना जर शिवसेनेचा पाठिंबा जर मिळाला तर संपूर्ण देशामध्ये एकतेचं एक वातावरण तयार होईल अशा प्रकारची भावना त्यांच्या मनामध्ये आहे आणि म्हणून तुम्ही या कार्यक्रमाला यावं, त्यांनी ही विनंती मान्य केली, आपण या ठिकाणी उपस्थित झालात, त्याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं उद्धवजी ठाकरे साहेबांचं मनापासून आभार मानतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो, धन्यवाद। मेरे भाई राशिद भाई से गुजारिश है कि आए, वो इस संस्था के सदस्य हैं, उनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ कि आए और डाइस पे बैठे हुए सभी मुकर्ररी मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदार मजहबी रहनुमा तौर से जनाब बिट्टा सिंह साहब, मुफ्ती सालिम कासमी साहब और मेरे मुरब्बी जनाब सागर त्रिपाठी साहब, मंच पर बैठे हुए दीगर जिम्मेदारान, मैं आपके बात इस शेर के साथ शुरू करता हूँ। सागर साहब, वालिद मोहतरम ताजा ताज साहब का शेर है, उठो के जुल्म सितम का जवाब लाना है, उठो के जुल्म सितम का जवाब लाना है, अपने वतन में नया इनकलाब लाना है, बरस रही है आज जहां बुज़ो तासुब की, वहीं पर हमने हमला के गुलाब लाना है। मोहतरम हजरत अल इंसाफ इंसानियत फाउंडेशन के रूह नवा जनाब सालिम कासमी साहब, आज जो बीड़ा उठाया है कि आज हिंदुस्तान के इस मौजूदा हालात में नहायत जरूरी है और हम ये समझते हैं ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल इसको पूरा पूरा सपोर्ट करती है। ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल ने भाई उसके जिम्मेदार के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने पूरे मुल्क भर में इस तरह का अभियान छेड़ रखा है और इस अभियान को इस तहरीक को ताकत देने का काम आप जैसे लोग कर रहे हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। माननीय उद्धव ठाकरे जी, महाराष्ट्र हिंदुस्तान के की जबरदस्त ताकत, आज जो उन्होंने बात कही कि हम पाकिस्तान के खिलाफ है, हम दहशतगर्दी के खिलाफ है, हम दाऊद के खिलाफ है, तो मैंने एक जुमले में उद्धव ठाकरे जी से कहा कि उद्धव ठाकरे जी, हम आपके विचारों से पूरी तरह समर्थन करते हैं और हिंदुस्तान का 20 करोड़ मुसलमान आपके विचारों से मुकम्मल तरह से सहमत है, लेकिन कुछ ताकतें मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जो ईमानदाराना तकाजा नहीं है। उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस धर्म की बात की जा रही है, हिंदुत्व की बात की जा रही है, हिंदुत्व के नाम पर डराने धमकाने की बात की जा रही है कि हिंदुत्व खतरे में है, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि इस मुल्क पर 807 तक मुसलमानों की हुकूमत रही तो हिंदुत्व को कभी नुकसान नहीं पहुंचा, उस टाइम हिंदुत्व को खतरा में नहीं नजर आया, लेकिन आज ये खतरे में कैसे नजर आ रहा है, हिंदुत्व खतरे में नहीं है, कोई मजहब खतरे में नहीं है, असल में कुछ लोगों की सियासत खतरे में। मैं इतना कहते हुए बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा और दो शेर आपके सामने मोहतरम मेरे वालिद मोहतरम ताजदार ताज साहब के आपके सामने पेश करना चाहूंगा। सागर साहब, इजाजत चाहता हूं आपसे
तुम तो कहते थे कि धूप आएगी खिड़की खोल दो। बेटा साहब तुम तो कहते थे कि धूप आएगी खिड़की खोल दो, तू मेरे कमरे में इस चली हवा आने लगी। जिन गुलामों को मुकद्दर से हुकूमत मिल गई, जिन गुलामों को मुकद्दर से हुकूमत मिल गई, वो मेरी तारीफ पढ़ रहे हुक्मरानी के लिए। शुक्रिया अल्लाह जो ये मुद्दा है अमन शांति का, प्यार का, भाईचारे का, ये हम पैगाम फैलाते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं कि देश में अमन शांति कैसे होनी चाहिए, कैसे आतंकवाद के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ हमने आवाज़ उठानी है, लड़ना है। क्योंकि सिर्फ पुलिस वाले या आर्मी या बीएसएफ या सीआरपीएफ जो यूनिफॉर्म में है वो तो करते ही हैं, अपने जान हथेली पर रखे हैं, सीमाओं पर रक्षा करते हैं। बर्फों में माइनस हम देख के आए हैं, -30 डिग्री -25 डिग्री में वहाँ जाके काम करते हैं, गर्मियों में हमारी सेवा करते हैं कि हम यहाँ बैठ के सुकून की ज़िंदगी बिता सकें। लेकिन एक हिंदुस्तानी होने के नाते, किसी मज़हब का हो, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके साथ किस प्रकार से अपना योगदान कर सकते हैं कि देश की सुरक्षा रहे। जो हमको आज़ादी मिली है, ये आज़ादी को ऐसे हमें सुरक्षित रखना है। NCT के कर्णधार, लेकिन उन्होंने अपना बहुत ही योग्य और जुझारू प्रतिनिधि हमारे साथ भेजा है, भाई आसिफ मामला साहब हमारे बीच में हैं। बड़े अदब के साथ उनसे गुजारिश करता हूं कि आए और अपने वक्तव्य से हम सबको महसूस करें। ऑल इंसाफ अल इंसाफ पब्लिक फाउंडेशन की जानिब से मुफ्ती सलीम भाई का इंसानियत अभियान और सर्वपक्ष सर्वधर्म को लेकर आज ये खूबसूरत शाम, जिसमें हर पार्टी के लोग, हर मजहब के लोग, हर शोहरा के लोग यहाँ मौजूद है, मैं मुफ्ती सलीम साहब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल हो। आज एक कम अरसे में इन्होंने ये कोशिश की, माननीय उद्धव ठाकरे जी ने एक बहुत ही अच्छी बातें रखी अपनी। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हालात इस देश में नहायत ही आपा नफसी के चल रहे हैं, ऐसे वक्त पे कौमी यकजहती की बातें करना और कौमी एकाई की बात करना और ये बातें ही ना करके ऐसी एक महफिल सजाकर लोगों को इकट्ठा करना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। और मुझे लगता है मुफ्ती साहब ने ये कोशिश की और इसमें हर पार्टी के लोगों को उन्होंने मदद किया। मैं श्वेता शालिनी जी से निवेदन करता हूं कि आप आए और संक्षेप में अपना मंतव्य यहां व्यक्त करें। श्वेता शालिनी जी। नमस्कार आदरणीय मंच, उद्धव जी के बाद बोलने का ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मौका मिल सकता है। स्वयं माला साहब का स्वरूप हम उनमें सुनते हैं, उनमें देखते हैं। मुफ्ती जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया। आज लखनऊ पैक्ट को लगभग 101 साल हो गए हैं और भारत की संस्कृति में यदि आप कोई गुरुजी को शगुन दें, शादी पे शगुन दें, गुरुजी को दक्षिणा दें, तो हमेशा 101, 501, 1001 रुपए देते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान थे, मैंने उनसे पूछा कि एक क्यों दिया जाता है, तो उन्होंने कहा शून्य में पूर्णता होती है, लेकिन एक नई शुरुआत का प्रतीक है। और इसीलिए आज 101 साल बाद मुफ्ती साहब ने एक नई शुरुआत की है, क्योंकि आज देश एक ऐसे मुकाम पे खड़ा है जहां पर हर पारी में नई शुरुआत हो रही है। आज हम रोटी कपड़ा और मकान नहीं, हर हाथ में फोन, हर बैंक में खाता और हाथ में रोजगार की बात करते हैं। मेरे पिताजी फौजी थे मुफ्ती साहब, और जितनी बार वो वर्दी डालते थे उतनी बार हम बच्चों को सिखाते थे
कि मेरा धर्म वर्दी है और उस परिवार में मैं जन्मी हूँ जहाँ पर हर रोज हमें सिखाया जाता था कि जब मैं फौजी बना तब हमें जब वचन दिलाया गया तो भारत के संविधान पर हाथ रखकर हमने वचन खाया कि हम संविधान का मित्रों यहाँ ठिकाणी आज मुफ्ती सालिम साहेबानी वर्ल्ड पीस एंड इंसानियत अभियान इंसाफ पब्लिक फाउंडेशन च्या वतीने जो आज कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे, खरं तर या कार्यक्रमामुळे या महाराष्ट्राचे पूर्ण समीकरणच बदलून गेलेले आहे। माझ्या मित्रांनो, आज सकाळपासूनच मीडियाचे अनेक फोन आले की असलमबाई तुम्ही मुफ्ती साहेबांबरोबर एक कार्य करत आहात, एक कार्यक्रम घेत आहात आणि या कार्यक्रमामध्ये मुफ्ती साहेबांनी पाणी आणि आग दोन्ही एकाच व्यासपीठावर आणले